बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में तल्खी देखने को मिल रही है। जहां लोजपा आर की तरफ से कहा गया है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पशुपति पारस से मुलाकात करके चिराग पासवान को आईना दिखाने का काम किया है। राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई काफी फेमस होती है। सबसे फेमस लड़ाई यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच देखने को मिली थी। इन दोनों के बीच काफी अदावत देखने को मिली थी, जिसके बाद शिवपाल यादव ने अपनी एक अलग पार्टी प्रसपा बना ली थी। फिलहाल अब अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच सब कुछ समान है और दोनों सपा में एक साथ हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई चाचा भतीजे की राजनीति में देखने को मिली तो वह बिहार है, जहां चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच काफी तल्खियां देखने को मिलती हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा पार्टी को लेकर चाचा भतीजे आमने सामने आ गए। दोनों ही पार्टी पर अपना अपना दावा करने लगे, जिसके बाद पार्टी दो खेमों में बट गई। पशुपति पारस के खेमे ने पार्टी का नाम लोजपा पी रखा, तो भतीजे चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का नाम लोजपा आर रख लिया। लेकिन तल्खियां कम नहीं हुई। बहरहाल आज की तारीख में पशुपति पारस हो या चिराग पासवान, दोनों एनडीए में शामिल है। लेकिन इन सबके बीच लोजपा आर का कहना है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। देखिए, एनडीए में हम पांच दल हैं। पांचों दल, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जो पांच दल होंगे, उनका जो भी उम्मीदवार होगा, हम उसके लिए प्रचार करेंगे, हम उसको उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। फिलहाल हम लोगों का ये मानना है कि इन पांचों दल के अलावा कोई भी दल कुछ भी क्लेम कर रहा हो, वो एनडीए का हिस्सा नहीं। वह जैसे ही लोजपा आर की तरफ से ये बयान आया, वही दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पशुपति पारस के कार्यालय पहुंच के उनसे मुलाकात की और एक मैसेज देने का काम किया कि पशुपति पारस एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, वो पूरी तरह एनडीए गठबंधन में है और उनका पूरा पूरा सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का मौका दिया, इसलिए वो गठबंधन में है और कहीं जाने वाले नहीं है। भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं, जो लोग बोल रहे भ्रम फैला रहे, अभी इस तरह की कोई स्थिति। पार्टी के सफलता के लिए हमारे लीडर को अपनों के बीच मिलने का जो सिलसिला रहता है, वो लोग जल्दी भूलते नहीं हैं। है साथ है मिलने हैं सा, वो जो मिले हैं, वो जो जाकर मिले हैं, निश्चित रूप से जो अपना रिश्ता था उस नाते मिले हैं। परिस्थिति थोड़ी सी सामने आने दीजिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पशुपति पारस की मुलाकात पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह का कहना है कि अब तो पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और पशुपति पारस जी कहाँ हैं। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और हम गठबंधन धर्म का पालन करते भी दिख रहे हैं। चिराग पासवान बताएं, आरक्षण के खिलाफ वह सड़क पर क्यों उतरे जब यह केंद्र में मंत्री है। देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है क्या। भारतीय धनबाद के कतरास बागमारा हरीना डुमरा इलाके में एकमात्र आईएसओ सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल, यहां आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरोसर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहां उपलब्ध है। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।